Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc., or their promotion in any. मैं कुटन हूँ, उर्फ कृष्णन बीबी। मिस्टर कृष्णन बीबी, आपके पिता एक किसान हैं, लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे विचार और परामर्श के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक समाजवादी भ्रम है। भारतीय राष्ट्र के लिए ये एक परेशानी थी जिसका मूल कारण था खेती, लेकिन आगे के चिंतन और विचार विमर्श के बाद मैंने पाया कि ग्लोबलाइजेशन और एक्सप्लोरेशन के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। एक सुपर पावर नेशन में तो बेंगलोर कैसा रहेगा तुम्हारी पहली पोस्टिंग के लिए मिस्टर कृष्णन बीपी? भला ऐसा पूछने पर कौन सा मलयाली मना करेगा? आप हमारे किसी भी कॉम्पिटिटर का केस देख लीजिए। जब केरला में होते हैं तो यहाँ से निकलने का सोचते हैं, और जब बाहर होते हैं तो वापस लौटने का मन करता है। वीकेंड्स आते हैं और मैं केरला वाली पहली बस पकड़ के घर लौट जाता हूँ। भले ही कोई कुछ भी कहे, पानी, मिट्टी और औरत अपने गांव को ही सुहाता है। पापा, मैं यहां हूं बेटा। तुम्हारी यात्रा कैसी थी? अच्छी थी पापा। नारायण भैया कैसे हो? देखा बेटा मेरी खेती कैसी लग रही है। सुन, हर हफ्ते तू मैसूर से गंदे कपड़े लाता है और फिर खुद ही धोता है, तो ये काम तू वहीं क्यों नहीं कर लेता? ये क्या कह रही हूँ माँ, यहाँ का पानी वहाँ की तरह थोड़ी होता है। अपना घर मैसूर नहीं, अपना घर है केरला। इस लड़के की हरकतें देखो। हाय, टाई, मिठाई खाने पर पसंद आई।
खाने के बाद परेशानी आई। ये कविता किसने लिखी है मालूम है तुम लोगों को? सही कहा, कंजूरी मास्टर ने लिखी है। चलो दूसरी कविता पढ़े। कुट्टा बस आने वाली है, सब रख लिया ना, कुछ भूलना मत। अपने पिता की तरह कविता लेकर बैठोगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये है हमारी कुंजू, मेरे पिता की बहन की बेटी। हाय, मैं दिव्या प्रकाश हूँ, फाइनल ईयर बीकॉम। दिव्या प्रकाश, तुम्हारा एम्बिशन क्या है? मैं IIM से MBA करके खुद की कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारी प्रेरणा कौन है दिव्या? मेरे माता पिता, वो मेरे सपनों को पूरा सपोर्ट करते हैं। इस दुनिया में तुम किस तरह का बदलाव लाना चाहती हो? अगर इस दुनिया में सारे काम करने वालों को ले तो उनमें से 65% औरतें हैं, लेकिन अगर इस दुनिया की पूरी संपत्ति को गिने तो औरतों के पास इसका 1% भी नहीं है। हाँ, ये बदलना होगा। जब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी तो औरतों को ही ज्यादा काम दूंगी। ज्यादातर गल्फ की पढ़ी लिखी लड़कियों में यही परेशानी होती है। इंग्लिश और मलयालम की दो लाइनें मिलाकर बोल दी तो इन्हें लगता है कि इन्होंने दुनिया ही जीत ली। इसकी बड़ी बड़ी बातों पर मत जाना, ये बस एक मासूम सी लड़की है। मम्मी की होशियार बेटी। ये पेपर वहाँ देना जरा। हाँ देती हूँ। ये देखा? देखो मेरी बेटी फर्स्ट आई है, उन्हें भी दिखाओ। सब तुम्हें देख रहे हैं। जब तक हर महीने एक ज्योतिषी से सलाह ना ले लें, आंटी का मन ही शांत नहीं होता। क्या तुमने अपने रास्ते में किसी लंगड़े व्यक्ति को देखा था? हाँ, यहाँ देखा था। हाँ, एक शकुन है। वो तो यहाँ का एक चपरासी है ना? वो चाहे जो भी हो, एक शकुन तो आखिर शकुन ही होता है। हाँ, तुम समझ रही हो? सुनो, जब मेरे भाई की बेटी हुई तो मैंने भांप लिया था। बुरे ग्रह सातवें घर में है, एक बुरा शकुन बुरे ग्रह की बुरी दशा। मैंने इसे कितनी बार कहा कि लड़की को मत पढ़ाओ। मैंने ये भी कहा कि वो बदनाम करेगी, लेकिन क्या करें, डिग्री की पढ़ाई करने के दौरान एक लड़के के साथ प्यार में पड़ गई, वो भी दूसरे धर्म का, और फिर वो उसके साथ भाग गई। जब सब कुछ हो गया तो वो उसे छोड़कर चला गया। मैंने तब कहा, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? तुम्हारी बेटी का भी वैसा ही भाग्य है। आंटी सिर्फ जोशी की बात सुनती है, अंकल सिर्फ आंटी की बात सुनते हैं, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर इस लड़की की शादी करवानी होगी। ओ मां, वरना जैसा किसी मूवी में कहा था, ये किस्मत है मेरी जान, इसे कोई नहीं रोक सकता। बुरे ग्रहों की नजर से MBA का सपना गायब हो गया। उसकी जगह एक MBA लड़का आ गया, 28 साल का, अच्छा दिखने वाला, अच्छी आदतें, बस। थोड़ा लीजिए, ये दिव्या ने बनाया है। चाय लीजिए। दिव्या वहाँ बैठो बेटा, जाओ बेटा। तुम US से कब आए? पिछले हफ्ते। अच्छा, US में कहाँ रहते हो? लॉस एंजलिस। मेरी बहन की बेटी भी वहाँ है। अच्छा, कहाँ रहती है? US में ओकलाहोमा। ओ, ओकलाहोमा, कभी गए हैं वहाँ पर? नहीं नहीं, वो नहीं गए, हम गए हैं। हाँ, हमारे पास उसकी बहुत सारी फोटोज हैं, आओ दिखा। चलो हम फोटोज देखते हैं। चलो इन्हें एक दूसरे से बात करने देते। बिल्कुल, बच्चों साथ आओ। बेटा इसने MBA की प्रवेश परीक्षा दी है। किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है? मैं IIM की लिस्ट में हूँ, इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा दिव्या, दिव्या मैं एक लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था कुछ साल पहले, भले ही अतीत में था, और मुझे नहीं लगता मैं इससे उबर पाया हूं। मैं नहीं जानता मैं इसके लिए तैयार हूं भी या नहीं, पर जब मेरे पापा और दूसरे ने मुझे मजबूर किया, ज्यादा पर्सनल हो गया ना, मुझे लगा दिव्या आपको सब पता होना चाहिए। दिव्या, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो?
वो मैंने गुलाब जामुन कभी नहीं बनाए। तो फिर मुझे इसे खाना नहीं पड़ेगा। माँ के गुलाब जामुन यही खाता है। तो इस तरह तय हुई कुंजू की किस्मत। वो देखो, जब दूसरों ने हम दोनों की किस्मत तय करी, एक तीसरा इंसान इसमें शामिल नहीं था। वो था अर्जुन या अज्जू। चलो भागो, भाग 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 भाग, जल्दी बाइक स्टार्ट कर, चल रोको उसे, रोको। हे तुम लोग क्या कर रहे हो, नीचे उतरो, भागो भागो यहाँ से। हे भाई जल्दी भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। रुक बे, उम्मीदों के चंगुलों से भाग निकले बहुत पहले, जब हम जवाब ढूंढते थे उसे सवाल मिलते थे, जहां हम अपनी सीटों को कस के पकड़ के बैठते थे, तो उसके पास जो था वो उसे भी ठुकरा कर चला गया। बहुत से शहरों में तरह तरह के काम किए, सीधे सीधे कहूं तो नई पीढ़ी का जिप्सी है ये। छिप कर भाग जाना उसके लिए आम बात है। हे अच्छू, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हमेशा की तरह। तेरा टेडी बेयर को पकड़ के सोने का टाइम नहीं हुआ क्या? विश्वास नहीं हो रहा। चुप करना, एक खबर है। क्या? मेरी शादी पक्की हो गई है। क्या? इस महीने की 18 को, 2 हफ्ते के अंदर। क्या तुम उसको जानती हो? हाँ, आज ही मिली मैं उससे। आज? अरेंज मैरिज? घर वाले फोर्स कर रहे हैं क्या? ए, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है। अच्छा है कुंजू, मुझे पता है ये एक सरप्राइज है, लेकिन ये सब ठीक है। पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? शादी के बाद सीधा बैंगलोर। तुम्हें याद है हम तीनों ने प्लान किया था, बैंगलोर में कमाल का टाइम बिताएंगे। एक बस टिकट तुम्हें बैंगलोर ले जाएगी, इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। 15 तक यहाँ आ जाओ, सारी रस्में हमारे पैतृक घर से होंगी। शादी स्वाति हॉल से होगी। जो भी हो, आज के टाइम में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाए वही अच्छा है। तुम्हारे MBA के प्लान के बारे में क्या? सब कुछ छोड़ दोगी इडियट? हेलो, तुमने तो 12वीं भी पास नहीं की, तुम क्या जानो? गोपी भैया, दिव्या की शादी पक्की हो गई है, क्या करने ला रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पिता इस परिवार में कुछ भी अटेंड करेंगे, तुम कब आओगे ये बता। मैं नहीं आने वाला किसी शादी में। देखो अजू, स्कूल छोड़ने के बाद से तुम यहाँ नहीं आए हो, अगर तुमने मेरी शादी नहीं अटेंड की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा, वादा कर। हैं? इडियट। पहले से ही ऐसे थे दिव्या, अज्जू और मैं। बहुत से सपने और यादें बचपन की हम तीनों को बांटने की आदत थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टियां आती, वो दोनों मेरे साथ हमारे पूर्वजों के घर आते, फिर 2 महीने के लिए खुशनुमा पल साथ बिताते। कार के साथ बाइक और साइकिल, हमारी एक खुद की ही दुनिया थी। तब तालाब में कूदना, क्रिकेट खेलना, सिगरेट पीना, उसके लिए पिटाई खाना, हर चीज में हम साथ थे। लेकिन एक बार जब स्कूल खत्म हुआ, तीन अलग अलग रास्तों पर निकल गए। उस समय जो सपने हमने देखे उनमें से एक था बैंगलोर। Thank you.
பச்சக்கறி பழையுள்ள கூடு பச்சக்கிளி குறுக்கூடு பச்சக்கறி பழையுள்ள கூடு கண்ணாளன் கெட்டுண்டல்லோ அது நின்னை பூட்டானாடல்லோ कौन है? शोभा के कन्नल भाई का बेटा है, बोर्डिंग स्कूल से छुपकर भाग गया था। बस आ गया अज्जू। कुट्टन भैया आजा आजा। हेलो हेलो कुट्टन भैया, पकड़ मुझे। हे भगवान, चढ़ो और आओ कुट्टन। बंदर कहीं का छोड़ के चला गया। किसी ने चढ़ते हुए तुम्हें देखा तो नहीं ना? फिर क्या, अंकल आंटी हर किसी ने देखा। तो डिप्रेशन में ना मर जाए, इसलिए हम आ गए। बात वो नहीं है, जब तुमसे मिलने के लिए अंकल से कहा तो वो कहने लगे वो दुल्हन है, उससे आज नहीं मिल सकती, कल उससे मैरिज हॉल में मिल लेना। ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया। फिर क्या, कल तेरी शादी हो जाएगी तो क्या अब हम तुमसे कभी नहीं मिल सकते? इसे देख के तो यही लगता है ये लड़का स्कूल से भाग गया था, है ना कुटन? मुझे भी इसकी तरह स्कूल से भाग जाना चाहिए था, तब मैं भी ऐसे आजाद पंछी की तरह घूम पाता। अगर सभी लोग मेरी तरह होंगे तो हमारे देश में सॉफ्टवेयर की जॉब कौन करेगा? ए, सॉफ्टवेयर की बात मत करना, दिमाग का दही कर दिया इसने। तू क्यों कर रहा है जॉब? वो इसलिए, आंटी के डर की वजह से। कुट्टन भैया की जिंदगी में पिता माता और कोई भी कुछ भी कह सकता है सिवाय कुट्टन। ओ, तुम्हारी तरह। चलो छोड़ो, मैं तो लकी हूँ, एक स्मार्ट गुड लुकिंग हस्बैंड, गुड जॉब, MBA और बैंगलोर में सेटल है। स्कूल टाइम में क्या क्या कहा था इसने, लव लेटर्स, ब्लैंक कॉल्स, वैलेंटाइन डे, वो सब छोड़ के अब अरेंज मैरिज हो रही है। वो सब तो स्कूल की बातें थी,
तू तो अभी भी नहीं बताना रेसिंग गर्लफ्रेंड और क्या था कुटन भैया? वो सब अब मैंने छोड़ दिया है। ए, लड़की बाजी बंद भग साले, रेसिंग छोड़ दी है। ओ, वो क्यों? अच्छा, उनके रूल्स और रेगुलेशन मुझसे फॉलो नहीं होंगे। अज्जू, तू आगे पढ़ाई नहीं करेगा क्या? अब हर कोई यही पूछ रहा है। केरल में आत्महत्या और दिल के दौरे पड़ने का सबसे हाई रेट है। वो क्यों? हार्ट अटैक का कारण नारियल का तेल। नहीं रे, उम्मीदें, घर वाले, बाहर वाले, तुम इन सब की उम्मीदों के प्रेशर कुकर में जी रहे हो। जब प्रेशर बढ़ेगा तब सिटी बच जाएगी, हवा निकल जाएगी। पढ़ाई और इसका क्या कनेक्शन है? इसी केरल में सबसे हाई लिटरेसी रेट है, कनेक्शन है कि नहीं? स्कूल के बाद एंट्रेंस के लिए नहीं बैठ रहे, डिग्री कंप्लीट होते ही जॉब नहीं मिली तो क्या? जॉब मिल गई तो सैलरी कितनी है? अच्छी सैलरी मिल गई तो शादी कब है? शादी हो गई तो अब तक बच्चे नहीं हुए? अगर बच्चा नहीं हुए तो तुम्हें डॉक्टर का नंबर चाहिए क्या? बच्चा हो गया तो फिर वही सारे सवाल फिर से शुरू। फिलहाल किसी की मुझसे कोई खास उम्मीद नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मेरी बात छोड़ो, तुम लोगों का कैसा चल रहा है? मैसूर की ट्रेनिंग खत्म हो गई, बेंगलोर के लिए तैयार हो? सच कहूं तो यहां से कहीं और जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ये बेंगलोर और मैसूर जाओ तो लगता है वहां फंस गए। यहां रहने का मतलब है अपने तालाब में नहा सकते हैं और मंदिर जा सकते हैं, पालघाट के चावल का मट्ठा खा सकते हैं। तुम वहां पालघाट का मट्ठा चावल खाने जा रहे हो? हां, वो बात नहीं है, बस मुझे ये बात पसंद ही नहीं आई। बेंगलोर क्या मस्त शहर है, कभी कभी मैं वहां जाता था। वहां एक ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का बड़ा बाजार है। शहर चाहे जैसा भी हो, दोस्त वहां होने चाहिए, सिर्फ तभी मजा आ सकता है। मेरे आने के बाद क्या हम एक टूर के लिए चलेंगे? ग्रेट, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी हो रही है, एक अच्छी लड़की बनना और घर पर रहना, सही? हाँ, यस। अरे कुंजू, कुंजू ये ऐसे नहीं मानेगी। दिव्या, बेटी दिव्या, तुम अब तक नहीं उठी? दरवाजा खोलो बच्चा। कुंचन भैया, अच्छू उठो जल्दी। भगवान, इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। दिव्या, मां आती हूँ। मैं मैरिज स्टेज पर रहूंगा, ठीक है? तुम जा सकते हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकल। ओह, सुबह सुबह आ गए तुम, हम कल रात आ गए। अरे अज्जू रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। भगवान, बेटी दिव्या, ओह नीचे आओ यार। क्या यहाँ कोई और है जिसे फूल चाहिए? रास्ता दो दीदी, थोड़ा साइड। हे दिव्य प्रकाश सबसेट, कैसी दिख रही हो? क्रिसमस ट्री की तरह। भाग जाओ। तुम बताओ, कुंटन भैया हमेशा सच कहते। त्रिसुम पुरम त्योहार के सजे हुए हाथी के बच्चे जैसी दिख रही है। सही। हाथी नहीं, हाथी के बच्चे। क्या तुम तुम्हारी शादी के दिन भी चुप नहीं रह सकती? शोभा, दूल्हे की पार्टी पहुंच गई है, तुम जल्दी जाओ। ये बॉक्स ध्यान से रखना, मैं ये देख लूंगी, तुम जाओ। क्या तुमने लड़कियों को भेज दिया उन्हें रिसीव करने के लिए? हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ, राइट राइट राइट, सभी स्वागत करने वाली लड़कियों को जाने दें। क्या सच में तुम्हारे इतने लंबे बाल हैं? बेटा, क्या तुम सब यहाँ रुकोगे? मैं दूल्हे को देख कर आती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। क्या दुल्हन भी दूल्हे को देखना चाहती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि दूल्हे से मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों है। शादी खत्म होने तक वो कहीं नहीं जाएगा। तो शादी के बाद तुम्हारा नाम क्या होगा? दिव्या प्रकाश से दिव्या दास। ऐसा क्यों? क्या ये ऑनरशिप का ट्रांसफर है नाम बदलने के लिए? नाम तो सभी बदलते हैं, आदमी नहीं बदलते। मुझे शादी नहीं करनी। क्या कहा? मुझे शादी नहीं करनी। आओ चलो भाग चलते हैं। okay. अज्जू चुप रहो, ये क्या कह रही हो? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो राजी क्यों हुई? दिव्या, एक्सक्यूज मी, दरवाजा खोलो बच्चा। देखो वो दरवाजा नहीं खोल रही है। अज्जू वो उससे लेना। दिव्या, शोभा प्लीज यहाँ आओ। ये क्या कर रही हो?
दिव्या दरवाजा खोलो। सुहागरात लगुन के बीच रात में संभाल कर रहना। बाय बाय। हाय हाय। You can sit. मुझे तैरना नहीं आता। तैरने की कोई जरूरत नहीं, किनारे को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। है? तो फिर इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि यह बहन का आइडिया था। बहन के पति नेवी में है। भगवान का शुक्र है वो आर्मी में नहीं है। सिग्नल बहुत वीक है। डू यू वांट टू चेंज? नहीं, मैंने तो बस अभी बदला है। ओके। दरअसल मैं ऑफिस में मर्जर और एक्विजिशन हैंडल करता हूँ। आज एक जरूरी मर्जर क्लोजर है। अभी अमेरिका में सुबह है और मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा समय लगेगा। दिव्या तुम सो जाओ, सुबह गुरुवायूर जाना है। चलो मैं बाहर चेक करके आता हूँ, शायद सिग्नल आ जाए। यस मिसेस की, 7 दिन बहुत हैं लीगल पेपर्स और फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेचुलेशंस। गुड मॉर्निंग बैंगलोर, आप सुन रहे हैं इंडिगो 91.9 रेडियो स्टेशन से फन यंग बैंगलोर के लिए। तो दोस्तों, आज का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और मौसम है बस ब्यूटीफुल। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे सारा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ मसाला डोसा और कॉफी के साथ एक नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए और एक नई जिंदगी के लिए? जो भी यहाँ नए हैं उनका गार्डन सिटी
इंडस्ट्री में स्वागत है। ये वो जमीन है जहाँ आपके सपने सच होते हैं। मेलबेट भारत की नंबर वन सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। वो कमरा लॉक है कुछ पुराने सामान के साथ। चिलम्मा से कहा कि वो आए और तुम्हारी मदद कर दे दिव्या, एक बार वो आ जाएगी तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दिव्या ये चिलम्मा थी जिसने मुझे बचपन से देखा है। दूध नहीं था, ये काली चाय। कोई बात नहीं, मैं शाम के साथ लेता हुआ आऊंगा। मुझे बस एक दो पड़ोसियों से मिलवा दो, मैं खुद ले आऊंगी। मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता। पर तुम तो यहाँ बहुत लंबे समय से रहे हो। बस कुछ सालों से। कुछ साल? मैं जब कोच्चि गई थी MBA कोचिंग के लिए, वहाँ पे उस बिल्डिंग में मेरी सबसे दोस्ती हो गई थी। यह कोच्चि नहीं है, बैंगलोर है। यहाँ किसी को किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। मैं उसे धो दूंगी। नहीं, मुझे मेरी चीजें खुद करना पसंद है। हाँ तो मेरा भी कर देना। हेलो। श्योर मां, मैं लिफ्ट में हूँ, करता हूँ कॉल। तुम मलयाली हो? नहीं, मैं मलयाली नहीं हूँ। ये सब चीजें जानने की क्या जरूरत है, या तो मलयाली हूँ या वर्कर। कुट्टूस। हे अच्छू, तुम कब आए? बस आ गया। क्या ये मेरा रूम है? अर्जुन भाई, आ गए बेंगलुरु से। वालेकुम सलाम फियाज, ये मस्त जगह है यार। इसके वास्ते ही बुलाया मैं आपको, दिमाग उड़ जाएगा आपका। ये अर्जुन भाई अपना गैराज। छोटू। हाँ भाई। ये अर्जुन भाई हैं, ये अब से काम करेंगे हमारे साथ। स्कूटी ब्रेकर। हाँ जी, स्टूड ब्रेकर। अच्छा है। अभी शुक्रवार की शाम के 5 बजे हैं और अब ऑफिशियली वीकेंड स्टार्ट हो गया है। वो सभी लोग जो बैंगलोर से बाहर जा रहे हैं, अच्छा होगा कि वो जल्दी यहाँ से निकले, इससे पहले कि ट्रैफिक हो जाए। आ जाओ अर्जुन भाई, अपना ही जगह है। लोग आज ही बोले मेरे को कोई अच्छा सा बंदा लेकर आओ, अभी रेस का सीजन आ रहा है ना। हे सैमी भाई, कैसा है यार? क्या रे, प्रैक्टिस कर रहा नहीं कर रहा? उनेच है। उनेच है। थोड़ा गर्म दिमाग का है पर बंदा काम जबरदस्त करता है। अर्जुन भाई, तो उस दिन का वर्कशॉप, ये कैफे, मोटर क्रॉस का ट्रैक, सब सैमी भाई का है। ये सभी लोग स्टॉर्म राइडर्स हैं और सैमी भाई गैंग के बॉस कम लीडर हैं। हे हे, मैं बॉस नहीं हूँ, वो शिवा है। शिवा? शिवा ना तो चैंपियन आदमी था, मैंने कभी देखा नहीं उसको, लेकिन कहते हैं उसको कभी भी कोई नहीं हराया। मैं बाइक्स कब देख सकता हूँ? वो ट्रैक में है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
हाय, मैं आपसे ही बात करने वाला था। आपके लिए सही समय कब होगा? ओके। देखो इस स्क्रीन का पासवर्ड क्या है। मेरे फोटोज फेसबुक पर मत डालना, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। अंकल, मैं और चाय लाई हूँ। दिव्या चाय लाई, कितनी अच्छी बच्ची है ये। सच में? हाँ। दीदी आपको थोड़ी चाय, मुझे थोड़ा बिस्किट देना। चलो जाओ यहाँ से। ए, देखो कोई आ रहा है, उसे भी चाय दे दो, बैठ जाओ। अरे अंकल, ये मेरे पति हैं। तो वो आप हैं? प्लीज आइए ना, देखो हमारे कितने सारे दोस्त आए हैं, सबसे मिलो ना। आनंद, हाय। 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 आज जब मैं पेंटिंग कर रही थी तब बालकनी के बाहर फंस गई, तब मैंने वहां से बहुत चिल्लाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब मैंने एक रॉकेट भेजा, वो अय्यर अंकल ने देख लिया और सब बच्चों को बुला लिया। तब उन बच्चों ने मुझे स्क्रू ड्राइवर ड्रॉप किया, तब मैंने और दिव्या, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है, पब्लिक पार्क नहीं। एक्चुअली वो क्या था ना, मैंने कहा ना मैं अटक गई थी, उन लोगों ने मेरी मदद। जो भी है, इस तरह की सिचुएशन ही क्यों बनाती हो और घर को इतना फैला क्यों रखा है? दीवारों और ग्लासों पर ड्राइंग क्यों बनाती हो? पेपर या कैनवास पर पेंटिंग क्यों नहीं करती? भगवान के लिए अब तो बड़ी हो जाओ। This video is downloaded from HD Hub for you. Thank you.
हुआ तुमने मुझे बुला लिया। हाँ मैडम, तुम क्या कह रही हो? इस घर में सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है, ये घर गड़बड़ हो चुका है। जब मैं सुबह आई तो बर्तन और ग्लास धुले नहीं थे। जब भी आओ तो बेबी के लिए चाय बनाना पड़ता है, सिर्फ उसके बाद ही वो ऑफिस जाते हैं। वो लड़की उठती भी नहीं है। तुमने क्यों बेबी दास की शादी ऐसी लड़की से करवा दी? मैडम वो आ गई। तुम मुझे रोज शाम को फोन करना, तब मैं घर पे रहूंगी, मैं फिर आराम से बात करूंगी। क्या मैं रखूं मैडम? अमेरिका में सभी को सम्मान देना। उनके लिए ये सब करना व्यर्थ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या ट्रेनिंग मिली है, वो कभी भी ठीक से राइड नहीं कर सकते। तुम इतने तनाव में क्यों हो सर? क्योंकि मैं इनका कोच जो हूँ। कोच का काम है सिखाना, है ना? इन लड़कों को बाइक के बारे में सिखाना मवेशियों को उपदेश देने जैसा है। ये सच है, हम अच्छा करेंगे कोच, भरोसा सब कुछ है ना? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता के पास पैसा है। मत खेलो सामी, कूल कोच। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमें क्लब बंद करना पड़ेगा। ये तो काफी मस्त है रे, थोड़ा पावर बढ़ाना होगा। हाँ ये बैठने का स्टाइल बदलना होगा। उस डिप को देखो, वही स्वीट स्पॉट है, उस पर बैठो। चिन हमेशा हैंडल बार के ऊपर होना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो इसे पकड़ो। ये करेक्ट पोस्चर है। रहने के लिए दूसरी जगह क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हारे मूल निवासियों को ये पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही काफी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बचाने आंटी उड़ के आएगी। कुंजू कब आएगी? हाँ वो पहुँच चुकी होगी, कॉल करूँ से? क्या वहाँ कोई हनीमून नहीं है? ए, मुझे नहीं लगता वो बिजी है। ये ऐसा है कि जब तुम बेंगलोर पहुँचे, ये पहली बार है जब मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल रहा हूँ। इसे एक अच्छी शुरुआत होने दो। कितना हुआ भैया? हेलो अर्जुन, यहाँ। हेलो, हेलो सर, मैं रास्ते में हूँ। कुटन आजा गाड़ी में, कार डिलीवर करना है। हे, तुमने वो देखा? ये क्या है? बैंगलोर में तुम ऐसी चीजें बहुत सी देखोगे, तुम कार के अंदर। लेकिन फिर भी ये किसिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं? उन्हें खेलने दो यार। ठीक है, तुम जल्दी से अंदर आने की कोशिश करो। क्या हम चलें? अरे अब बस करो। छी, क्या अफसोस है, केरला का कल्चर बेहतर तो है। क्या केरल में कोई भी किस नहीं करता? फिर भी रोड पर नहीं। अज्जू ये हमारे मतलब का नहीं है, हमारा अपना कल्चर है। तो क्या हमारी वैल्यूज नहीं है? ये कल्चर और इतिहास नहीं है कुटन, ये शुद्ध बायोलॉजी है। अगर ये बायोलॉजी है तो क्या सबके लिए लागू नहीं है? अब तुम्हें ही और मुझे ही ले लो, हम सभी को पुण्य के रास्ते पर चलना सिखाया गया है। तुम इतनी देर से चुप क्यों बैठे हो? कुटा तू अपनी बात बोल ले यार। अज्जू तुम, ये कब हुआ, कैसे? वो है। वो कब हुआ और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या है ये? हे कुटा, तुम्हारा केस। अज्जू ये सरासर धोखा है। क्या विश्वासघात, हंसने की जरूरत नहीं है। रुको और देखो, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। बस शांत रहो यार, मेरा मामला भूल जाओ। कुटन तो तुमने कभी भी नहीं किया क्या? जाओ यार, किसी और को ढूंढो। कुटन तुम्हें इस चीजों के लिए नहीं मिलेगा, ये मेरे कल्चर के खिलाफ है। अच्छा ऐसी बात है। हम लोग क्या बात कर रहे थे? कल्चर। हाँ कल्चर। ये तुम लड़कियों से डरते हो इसलिए तो नहीं ना, है ना? क्यों मैं क्यों डरूंगा? चाहे पत्ते कांटे पर गिरे या कांटे पत्ते पर, घायल पत्ता ही होता है। इसे तो मैं अभी ठीक करता हूं। ठीक करती हूं। ओए क्या लड़की देखी तो सीटी मारनी जरूरी है? बत्ती सी निकाल कर हाथ में दे दूंगी।
तरह से क्या कहा उसने? उसने कहा आई लव यू। ए, इतनी हिंदी मुझे आती है? वो नहीं कुटन, अब तुम पत्ते हो या कांटे हो? एक आदमी दिखाता हूँ ट्रिक्स करने का, कुछ मत कहना। शिट, मुझे दो। कुंजू, हाय। ये किस तरह का पोशाक है? हमारा मैंगो जूस। ये अज्जू है। अर्जुन। हाँ, शादी में देखा था। क्या तुम्हें सब याद है जिन्होंने शादी अटेंड की थी? ये कुट्टन भाई है। हेलो। हाय। तुम तो रोली पोली हो गए। ये सब बाहर के खाने की वजह से, इसलिए। तूने खाना बनाया? हाँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना। हाँ, अच्छा है। बहुत समय हो गया घर का खाना नहीं खाया। तुमने कब खाना बनाना सीखा? ये है और उसका एप्रिन। आज का स्पेशल मेनू आम की फूली शेरी, गोभी की सूखी करी और फ्राइड प्रॉन्स। ठीक वैसे ही आंटी ने क्या बनाया है? क्या ये किचन है? पीने के लिए कुछ लोग है जी। बिल्कुल। सॉफ्ट ड्रिंक्स मत दीटा। उसने उसको क्या कहा? आ सेटन। हाँ। सॉफ्ट ड्रिंक का तुम भी इसी तरह बुलाती हो? मैं ऐसे नहीं बुलाती, लेकिन तुम जरूर ऐसे बुलाना। हाँ, ऐसे ही मैं अच्छे से बुलाऊंगा। ये सब मत छू अज्जू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुमने आज शावर लिया? चलो उधर बैठो। तुम्हारा मैंगो जूस कहाँ है? यहाँ सभी एप्पल जूस की ही तरह है। दिव्या, क्या तुम अचार दे सकती हो? हाँ। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है सच में घबराहट होती है, फिर म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस में शिफ्ट हो गया, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमको किस रेट पे मिल रहा है? 6.2%। तुमको बाजार में उससे बेहतर रेट मिलेंगे। अच्छा, तब इसके बारे में जरूर पता करना चाहिए। ऐसा है? अच्छा है। सच में अच्छा है। तुम्हें याद है जब एक बार पहले ये किचन में घुसी थी? भैया नहीं। तुम्हारा मतलब वो किस्सा जब आंटी गुरु आयुर गई थी, है ना? भाई दास, उस दिन इसकी माँ की बहन ने पिज्जा के साथ पेट भरा। क्या बताकर इसने उनको खिलाया था? ये कह रही है कि केक है। और कहा था ये केक है। हा हा हा, वेरी फनी। उस समय दिव्या की उम्र क्या थी? वो 2 महीने पहले। दिव्या, ये मैं हूँ जिसे तुम किक कर रही हो। सॉरी। अच्छू। तो अर्जुन, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो तुम्हें परिवार का इतिहास नहीं पता है कि नहीं? ऐसा क्यों कुंजू, तुमने इसे नहीं बताया? मेरे माता पिता का तलाक हो चुका है। ठीक है, तो वो कहाँ है? क्या कोई परेशानी है? क्या परेशानी? पिता आर्मी में कर्नल हैं, कहीं चीन बॉर्डर पर। माँ एक हाउसवाइफ हैं, किसी के घर में किसी और की बीवी। ऐसा नहीं लगता तुम इसे अप्रूव कर रहे हो। मैं कौन हूं अप्रूव करने वाला? शादी के कानूनी सजा है, क्या तुमने ये नहीं सुना है? या तो जिंदगी भर की उम्र कैद या एक बड़ा फाइन। से उम्र कैद नहीं चाहिए थी तो फिर फाइन, वो मेरे सर पर। अज्जू, तुम जानते हो मैंने मीठे में क्या बनाया है? तुम्हारा फेवरेट मिल्क डेजर्ट। आओ और मेरी मदद करो। कुटन। हाँ। मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, आना चाहोगे? नहीं, वो अब हम जाने वाले हैं। नहीं नहीं, रिलैक्स। देखो, क्या शाम में हम उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, वो मैं देख लूंगा। अरे यार, मुझे फिल्म के बारे में पूछना था। देखो ये, देखो ये, देखो क्या है? ये स्केयर क्रो है। ग्रैमी, केक्स, पिज्जा, वो सब क्या था? हाँ, तुम दोनों को बुलाने में मेरी ही गलती थी। हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। तुम दोनों की जब शादी हो जाएगी ना, तब मैं बताऊंगी। क्या अज्जू,
उसे ये सब नहीं पता है। उसने तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा है, उसने अनजाने में ही ये सब कहा। छोड़ो कुंजू, इसका क्या फायदा अगर वो मुझे जानता भी है। मैं परेशान नहीं हूँ अगर दूसरों को ऐसा लगता है। बिना माता और पिता की देखभाल के मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच जाऊंगा। तुम जहाँ तक चाहो वहाँ तक पहुँच सकते हो। अच्छा होगा मैं साथ ले लेना। हाँ, इस मामले में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। हा, 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 बोलो नहीं है, नहीं है, नहीं है, बोलो बोलो बोलो। ऑटो भी हमसे तेज भाग रहा है। वो क्या है? नहीं, वो इसके कहने का मतलब है कि सिनेमा 7 बजे का है। ओह, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या हमें प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए? इस ट्रैफिक में हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। क्या? अरे बोलो। असल में वो लालटेन की मूवी है। क्या? उसको रोकने को बोलो। ये मैं कहूँ? बोलो यार। भाई दास, जरा गाड़ी साइड में रोक देना। वहाँ क्या हुआ? वो नहीं, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है ना, बस सोचा कि हम चल कर जाएंगे। चलने पर हम इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। हम फिल्म देखेंगे और तुम्हें बताएंगे कि वो कैसी है। बाय बाय दास, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम आ रहे हो तो आओ, बस बात करना और वहीं रहना। अज्जू रुको, वहां अगले शनिवार की टिकट बुक की है, US जाना है। ओह, तो हमें वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। ये वहां है, कई बार मुझे काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है, कई बार 2 हफ्तों के लिए, कई बार 2 महीने के लिए। तो ऐसा है। जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो तुम कुट्टुम के साथ घर जाओगी या यहीं रहोगी? कैसा भी कर लूंगी। तय करके बता दो, मैं टिकट्स बुक करवा दूंगा। हो गया। उठाना। हे, ये कुंजू है। हेलो कुट्टन भैया, मैं हूँ। हाँ बोलो बोलो। अज्जू है वहाँ? वो भी यही है। हाँ देता हूँ, ये ले तेल लिए। कुंजू, मूवी बहुत मस्त थी, जाओ यार। मैंने एक चीज पूछने के लिए कॉल किया है। बोलो। देखो, मिस्टर काम के लिए US जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि यहाँ रुकोगी या घर जाओगी। क्या करूँ, क्या मैं जाऊँ? बेशक जाने की जरूरत नहीं है। कुट्टन को छुट्टी लेने के लिए कहो। क्या है? धमाल मचाएंगे हम मिलके। तो मैं क्या कह दूं? जाओ। बाय। Oh,
थैंक्स अ लॉट सैम. शुक्रिया सैम. क्या ये वही लड़के हैं जिन्हें हमने पोस्टर में देखा था? हाँ, करेक्ट है. संतोष और अरविंद ये नेशनल चैंपियन हैं. वाओ. आओ. कुटन भैया देखो देखो. अर्जुन सुंदर है ना? हे यार, इस तरह मत जाओ. पैन राइडर्स यहाँ बहुत काम की दिखाई देती हैं. मुझे ऐसा एक देखने दो. बैन सिर्फ रेसिंग के दौरान है, देखने के लिए नहीं. ये एक अच्छा वाला है, आमतौर पर राइडर्स के लिए है. जिन्हें मैंने देखा है उनमें थोड़ी शर्म तो होती ही है, लेकिन तुम्हारे गट्स हैट्स ऑफ यार, फरहान नहीं. ये क्या है भाई, इसकी प्रॉब्लम क्या है? अब क्या तुम जोकर गैंग में हो? स्टॉर्म राइडर्स जोकर गैंग है? क्या तुम क्रॉस कर पाए हो शिवा एक लैप में भी? तब यहाँ ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है. जोकर जोकर. अबे ए सैम, छोड़ दो उसे. हे यार, छोड़ो इसे. छोड़ से लेके जा इसे. उसने ये इशू किया. निकलो यहाँ से. बाहर आओ यार, बाहर निकलो. जाओ. अज्जू अभी मत जाओ यार, हम कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे. कुछ टाइम के बाद जाना ठीक है. निकाल कुट्टा, तेजी से गाड़ी चलाएंगे और कहीं ठोक देंगे, पर निकाल कुछ बाद जाएंगे. अज्जू तुम कम से कम हमें तो बताते. मैं क्या कहता, जहाँ भी मैं जाता हूँ बाहर निकाल दिया जाता हूँ. क्या मैं रिजेक्ट पीस हूँ? अज्जू हम समझते हैं यार. ए यार, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो. तब कौन समझेगा अज्जू? चुप रहो, बस चुप रहो. जिंदगी तुम्हारे एसएस के द्वारा नहीं जाती है यार. ये सोचने पर क्या तुम सबसे लड़ाई करोगे? अज्जू बाहर में जाओ यार. कुंचन भैया कोई जरूरत नहीं, जाओ. अर्जुन है? तुम उसे कैसे जानते हो? लास्ट ईयर मैंगलोर में रुकी था ये. उसने माहिर खिलाड़ियों तक को भी हरा दिया था. हाँ, उसके पास अच्छी स्पीड है, लेकिन आपको नहीं लगता वो इसी वजह से मुसीबत में है? मैं सरप्राइज नहीं हूँ, वो बहुत ही अखड़ है. शायद उसे एक अच्छे कोच की जरूरत है, और शायद आपको एक अच्छे राइडर की. याद है जब हम बच्चे हुआ करते थे तो गलती करते थे, सॉरी बोलते थे और आगे बढ़ जाते थे? तो इसी बात पे गुड मॉर्निंग बैंगलोर. मैं हूँ आपकी रांची सेरा और आप सुन रहे हैं रिस्की बिजनेस. सॉरी. यू आर वेलकम. चले. शुक्रिया सारा. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे सेरा रिस्की बिजनेस पर. और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सपना है तो किस्मत तुम्हारे हाथों में है. किसी अर्जुन ने मुझे ऑनलाइन मैसेज भेजा है और वो कहता है, हेलो सेरा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने दुनिया को एक बहुत अच्छी जगह बना दिया है? जब सब मना करते हैं तब सिर्फ तुम कहती होगी रिस्क लो और आगे बढ़ो. मेरे कजिन को और मुझे तुम्हारा ये शो बहुत पसंद है. रॉक ऑन सारा. वेलकम. थैंक यू अर्जुन. तो रिस्क लो और तुम्हारे सपनों को. तो फरहान ने ट्रैक पर फाउल किया था, तुमने उसे घसीट कर बाहर निकाला और बना दिया एक तूफान. फिर तुम्हें ऐसे ही एक बैन मिल गया है ना? वो बैन नहीं था, एक डिसिप्लिनरी एक्शन था. एक साल का रिस्ट्रिक्शन, नो रेसिंग. लेकिन रोड पर राइडिंग करना, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे. उन्हें बैन को गले लगाने दो और बैठने दो. तुम पूरे समय कहाँ थी? तुम ही इसका कारण हो. तुम्हारे घर से उसके लिए कॉल आया था. माता और पिता
हाँ देखा, मैंने कहा था ना मैं हर वीकेंड घर नहीं जाऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अरे ये बात नहीं है, हमें कुटेटन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी। कुटेटन को कैसी लड़की पसंद है ये सब पता लगाने को कहा है आंटी ने। ओ, अब समझ आया। मैंने सोचा तुम क्या सोचते हो? कम ऑन बताओ यार। तो कुटन भैया बताओ कैसी लड़की पसंद है कुटेटन को? नमस्कार सर। कुंजू ये नई पीढ़ी है कि नहीं? बस पूछा कि लड़की की जरूरत है या लड़के की। छोड़ो ना यार, कुटन भैया तुम बताओ। अगर लड़का भी है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। बताओ ना भैया। एक ही लड़की काफी होगी। वो किस तरह की लड़की? कैसे कहूँ, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस एक ट्रेडिशनल लड़की होनी चाहिए। एक देसी बमकिन की तरह? जाओ यार, हमारा कल्चर होना चाहिए। नहीं, एक लड़की मेरे कल्चर जैसी होनी चाहिए, एक लड़की जो सिर्फ केरला में ही पली बड़ी हो। ये सब किस लिए? वो होनी चाहिए कम से कम इंजीनियर, या फिर उसके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। रैंक होल्डर्स पे ज्यादा ध्यान देना। कुछ और है जो जरूरी है? अच्छे बालों के साथ, अच्छी आंखों के साथ, और सभी देखने दिखाने वाली चीजों के साथ। फिर और क्या कहूँ? हाँ, एक ट्रेडिशनल नाम होना चाहिए, गायों और सभी के नाम की तरह। तो? चुप रहो यार, ये शीना मीना टीना सभी काम नहीं करती। जबकि दुल्हन के समारोह में एक अच्छी साड़ी जरूर पहने और सब ट्रे में क्या कहते हैं वो चाय और खाने की चीजों के साथ सभी तरह की चीजें लानी चाहिए। ऐसा क्या? इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं। तब एक और चीज, नहीं इसे शादी के बाद मेंशन करेंगे। बोलो 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 कुत्ता, बोलो बोलो। बस वो मुझे प्यार से बुलाए चेटा। इतना कुछ इसने सोच रखा था फिर भी हमें कुछ नहीं बताया। मानो ये सब हो जाएगा। चलो हेड्स करो यार, मैं आशीर्वाद बाहर रहने दो। भगवान इसकी नॉनसेंस बचा लेना। तथास्तु। मूवी अच्छी थी है ना? कूल। शाहरुख ने रूल किया है ना? हे अजू, तुमने दास की कार ली है ना? सिर्फ एक कार है ना? अजू केयरफुल रहना ठीक है? क्या 19 मिस्ड कॉल जो कि तुम्हारे लिए है, इतने मिस्ड कॉल देने के लिए घर से। धीरे चल। हेलो, हाँ माँ, वो मूवी देखने गया था। कौन सा हॉस्पिटल? कब? क्या हॉस्पिटल? डॉक्टर ने क्या कहा? अंकल को कुछ हुआ क्या? मैं जल्दी आता हूँ माँ। सांस लेने में तकलीफ, करुणा हॉस्पिटल में एडमिट है, कहा है दिल के कुछ चेकअप करने जरूरी हैं। अज्जू मुझे अभी घर जाना होगा, क्या मुझे इस समय कोई बस मिल सकती है? बस और सब जा चुकी हैं, क्यों नहीं तुमको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं कि अगर कोई फ्लाइट अवेलेबल है। हर हफ्ते घर जाने की आदत है, ऐसा पहली बार हुआ। अज्जू टिकट में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा यार। शट अप यार, अगर तू इस समय भी फ्लाइट नहीं लेगा तो किस समय फ्लाइट लेगा? टिकट यहाँ। मैं फ्लाइट में पहली बार जा रहा हूँ, क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी? वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुट्टन भाई, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फ्लाइट के स्टाफ को बुला लेना। क्या तुम्हारे साथ पैसा और ये सब? को 5:20 सुबह न्यूयॉर्क से बैंगलोर। कौन, क्या तुम्हारा पति दास आ रहा है क्या? भागो अच्छू, जल्दी करो। जब वो आईडी के लिए पूछे तो जरूर दिखाना। गुंजू ये क्या है, रोड देख कर चलाओ अच्छू। अच्छू प्लीज धीरे चलाओ। दिव्या, दिव्या, मॉर्निंग। मैं बात लेकर अभी आई। टर्न करो प्लीज। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। कैन आई हेल्प यू? हाँ ये हाँ
जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं जैसे कहीं खो सा गया। जहां से सीधे और फिर पाए। थैंक यू। वेलकम सर। आप ठीक है? इट्स ओके। नमस्कार। हेलो माँ, आईसीयू से शिफ्ट हो गए, ये तो अच्छा हुआ। हाँ मैं फ्लाइट में हूँ। एक्सक्यूज मी, फोन। माँ मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ सर। मीनाक्षी, बहुत प्यारा नाम है, मलयाली होगी क्या? अप्पू कुट्टन को टॉयलेट जाना है। चुप रहो, अप्पू कुट्टन को टॉयलेट जाना है। वो अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। माँ अप्पू कुट्टन को अभी टॉयलेट जाना है। लोग देख रहे हैं। माँ अप्पू कुट्टन ने सुसु कर दी। आप बेशर्मी हैं। क्या हुआ मीनाक्षी? वो कह रहा था कि उसे टॉयलेट जाना है। अरे ये तो मलयाली ही निकली। जो सपना लोग दिमाग में देखते हैं, मैंने आसमान में देखा। अब देखते हैं ये दुल्हे की रस्म। ये सुंदरी जो बादलों में से उभर कर निकली, एक साड़ी पहनी है, बड़ी आंखों के साथ, मीनाक्षी। पसंद आई, मुझे ये पसंद आई। पापा। शोभा यहाँ हो तुम? हम तुम्हें आईसीयू में ढूंढ रहे थे। यार सुबह ही शिफ्ट हुआ था इधर। तुम्हें कैसा लग रहा है वासु भाई? पहले से बेहतर लग रहा है। मुझे बिना सांस का कर दिया। भाई कुछ समय के लिए तुम किसी मैनुअल काम में मत जाना, ऐसा करने वाले लोग हैं। अब ये भी यहाँ है। बेटा तुम कब आए? इस सुबह। दिव्या और अर्जुन ने उसे फ्लाइट से भेजा था, इसीलिए इतनी जल्दी आ गया है। जब दास यूएस गए थे तो मैंने बताया था कि दिव्या को वहां अकेले नहीं रहना चाहिए, पर कहां सुना। अब क्या कुट्टन और अज्जू कहेंगे, वही सुनेगी? वो अज्जू ही मेरी मुख्य चिंता का कारण है। जड़ बुद्धि लड़का है वो, उसे कोई नौकरी या कुछ भी नहीं मिला। अज्जू एक बाइक और विंटेज कार का स्पेशलिस्ट है, उसे बहुत अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं। स्पेशलिस्ट ऐसा ही, बहुत बुरा, एक कर्नल का बेटा मैकेनिक। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्यों बेलेटिन अपनी नेटिव जगह पर नहीं आई। उससे पहले उसके माता पिता ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, ये गीता ने बहुत पहले कॉल किया था। हेलो, अमेरिका में अभी रात है। हाँ बहन एक मिनट। वो अज्जू उस पर देर कर रहा था। कुछ भी हो जाने दो। दीदी ऐसा लगता है कि भाई की दशा सही नहीं है। हाँ ऐसा क्या? ये इस हफ्ते टीवी में आया था। नहीं कोई परेशानी नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है फिर। वासुटन कुट्टन के लिए चिंता में है, जितनी जल्दी हो सके उसके लिए लड़की ढूंढना चाहिए। उसे कम से कम शांति से रहने दो शांता। देखो डॉक्टर ने क्या कहा है, ज्यादा बात मत करो। दूसरे दिन ही मैंने दिव्या से कहा था ढूंढने के लिए, ये पता करने के लिए कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। भगवान बहुत जल्दी लड़की भेज देगा। दिव्या, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू।
सर थैंक यू अच्छी जगह है दस ए आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर दस गुड आफ्टरनून सॉरी हम लेट हो गए हाय हाय मिस्टर दास हेलो हेलो प्लीज आइए बैठिए ना ये काफी अच्छी जगह है ओह क्या बात है मिस दास आपका पति लाजवाब है तुम एक खुशकिस्मत लेडी हो डिनर अच्छा था है ना शानदार था बल्कि दिव्या मुझे पैकिंग करनी होगी परिष्कृत सच्ची मलयाली क्रिस इस तरह की लड़की को आखिर क्या होना चाहिए कौन तुम्हारी मीनाक्षी के चक्कर में ही वापसी की फ्लाइट ली थी मैंने लेकिन ऐसा नहीं हुआ बस से वापस आना चाहिए था कहो फोन नंबर लेना चाहिए था ए ऐसा मत बोल यार क्या हुआ एक तरह का मूड ऑफ वो इसलिए कि इसका चेप मैसूर के लिए निकल गया है भाई दास आए और चले भी गए पता ही नहीं चला वो आए और गए तुम्हारे लिए कुछ लाए अमेरिका से चॉकलेट्स बुरा है ये तो पड़ोसी के बच्चों को देते हैं है ना ऐसा है तो क्या कोई भी बीवी को चॉकलेट्स देता है चलें हे इसको क्या हुआ कुछ इशू है यहाँ काफी गुस्से में लग रही है हाय हम फ्लाइट में मिले थे यस यस आई एम सॉरी आपका नाम मेरा नाम है कृष्णन बीपी सभी लोग मुझे कुटन कहते हैं जैसे अब्बू कुटन मीनाक्षी इसकी जरूरत नहीं दिव्या मीनाक्षी ये मेरे कजिन है अर्जुन और दिव्या तो तुम सब बैंगलोर के रहने वाले हो हाँ मैं यहाँ सिस्टो में काम करता हूँ ओह तो तुम कहाँ रुके हो मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ तब तो हम पड़ोसी हैं। मैं सेकंड स्टेज पर रहती हूँ हमें जरूर गेट टुगेदर करना okay. चाहिए मोबाइल नंबर बताओ नंबर देखो कैसे घबरा रहा है 9863-3332 क्या नंबर है ओके okay. क्या ये मलयाली क्रेज है एक ट्रेडिशनल सुंदरी सीख कुछ देख के जाओ यार मेरे कलीग्स के साथ मैं शॉपिंग पर आई थी वो मेरा वेट कर रहे हैं जस्ट अ मिनट ओ सो कुटेटन और जस्ट क्यूट कुटन कुछ भी चलेगा क्यूट कुटन मुझे लगा तुम मलयाली नहीं हो आधी मलयाली डैड पंजाबी है मॉम पालघाट से ठीक है मैं कॉल करूंगी नंबर सेव कर लेना हम जरूर मिलेंगे ओके ठीक है फिर तो ठीक है फिर मिलते हैं गाइस क्यूट कुटन कुटेटन को प्यार हो गया ये क्या
हो गया भाई। के साथ कहां? मीनाक्षी के अपार्टमेंट में। क्या? नहीं, वहां पर क्या काम था? दिस वीडियो इज डाउनलोडेड फ्रॉम HD हब फॉर यू। आज कोई खबर? हाँ आ गया। तुम और मैं यूं ही तनाव में थे, जाने पर कहते हुए अभी भी आना होगा। पूरी रात वो मीनाक्षी के अपार्टमेंट में था। क्या? क्या चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं? कौन? ये लड़का? शायद कुछ कहा था और वहाँ बैठ गया था। क्या ये कुटुस नहीं है? सिर्फ बातें नहीं, ठीक है? हे कुंजू, बाय। हे यार, बताओ। हम दोनों? तुम दोनों? अंताक्षरी खेल रहे थे। शे। वेस्ट। अच्छा, पकड़ के बैठना। ए, टेक अ यू टर्न। ओके सर। नब्बे, सो। क्या ये रोड तुम्हारे पिता की संपत्ति है? चलो।
क्या तुम ये फिर से नहीं करोगी? क्या मेरे कजन के साथ ही तो गई थी ना? एक नंबर के इडियट्स है तुम्हारे कजन। दिव्या ऐसे ही बेवकूफी वाले काम करके लोग मरते हैं, मेरी बातें समझ आ रही हैं? उन्हीं इडियट्स की वजह से मैं यहाँ अब तक रह रही हूँ, वरना मैं बहुत पहले ही कब का पागल बन जाता। जब मैंने कॉल किया तुमने फोन नहीं उठाया, इसीलिए ट्रिप कैंसिल करके मैं तुम्हारे पास आया। तुमने फोन क्यों किया? रूटीन तो सिर्फ मेल भेजने का था, है ना? इसका मतलब है मुझे कुछ अटेंड नहीं करना चाहिए। मैं क्या सिर्फ इसी इस्तेमाल के लिए हूँ? तुम जैसे चाहे आओगे जाओगे, मैं क्या सिर्फ इसलिए हूँ? मैं ये सब नहीं कर सकती, परेशान हो गई हूँ मैं तो जो भी करती हूँ गलत ही होता है। सरप्राइजेस पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। जब कोई आपको कॉल करता है या फिर सिर्फ मिलने आता है हाय कहने के लिए, जिसकी आपको आशा भी नहीं होती है, मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। मेरा तो दिन बन जाता है। आज का ये शो इसी सरप्राइज पर है और अब समय आ गया है कि हम अपना आखिरी कॉल ले लें। तो सोच क्या रहे हैं, फोन उठाइए। नंबर है 08025052919। हेलो हेलो, वेलकम टू रिस्की बिजनेस। हु इज दिस? सारा, मैं अर्जुन। हाय अर्जुन, तो बोलिए आप कहाँ से हो? केरला। केरला, क्या बात है, मैं भी केरला से हूँ। टेल मी अर्जुन, तुमने आखिरी बार कब किसी को सरप्राइज दिया था? मैं तभी बताऊंगा अगर तुम मुझे कुछ बताओ। ओके okay. तुम एक मलयाली हो, लेकिन कभी मलयालम में बात मत करना। वो क्यों? क्योंकि एक हिंदी चैनल है। ऐसे ही रहने दो, लेकिन भारत एक लोकतंत्र है ना? सोटो एक अपनी भाषा बोलती है हर एक को, ये अधिकार है ना? बिल्कुल सही हो मेरे मलयाली दोस्त, लेकिन अभी समय है एक छोटे ब्रेक का। इंडिगो वॉइस कॉन्टेस्ट। हमारे कॉन्टेस्ट में एंट्रीज की लास्ट डेट आज है। इंडिगो 91.1 एफएम थर्ड क्रॉस 7th मेन थर्ड ब्लॉक कोर मंगला बेंगलोर 560035। तुम्हारा फिर से स्वागत है अर्जुन। बिना मलयालम के भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ओ, माफ करना दोस्तों, कुछ देर के लिए हमें मलयालम में बात करना होगा। दोस्त, मुझे नौकरी से निकलवाने पर क्यों तुले हो, कृपया मुझे बख्श दो। ऐसे आओ, हम जब भी डायरेक्टली बात करेंगे हम मलयाली में ही बात करेंगे। ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो वापस मेरे सवाल पे आते हैं। क्या आपको सरप्राइजेस पसंद है? ग्रेट, बिल्कुल। तो फिर बताओ मुझे, तुमने आखिरी बार कब कैसे सरप्राइज दिया? बहुत कुछ करता था, लेकिन आज का सरप्राइज बेस्ट है। ओके, काफी दिलचस्प है। सीधा जाओ, आज किसको सरप्राइज कर रहे हो? तुम्हें करूँ तो कैसा होगा? मतलब क्या? नो वे, हा हा हा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कोई भी इतना इम्पल्सिव नहीं हो सकता। मैं नहीं, तुम सनशाइन, तुम मुझे इम्पल्सिव बना रही हो। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और तुम्हें मुझे जानने की जरूरत है। तुम जानते हो ना कि तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो ऑन एयर, वो भी हजारों लोगों के सामने। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम्हें पड़ता है? रुक जाओ, टाइम है हमारे स्पॉन्सर्ड मैसेज का। निया, वो पेपर देना जरा। फिर से स्वागत है, मैं हूँ आरजे सहरा और मेरे साथ हैं अर्जुन। अर्जुन, ऐसा लगता है हमने अपने इंपल्सिव अर्जुन को खो दिया है। कोई बात नहीं, वो मजेदार था। तो शो खत्म करने का अब टाइम हो गया है, तो चलिए अपने इंपल्स को किसी और पर ट्राई कीजिए। आप सबका देना चाहो, मैं हूँ आरजे सहरा, चलती हूँ, सुनते रहिए 91.9 फन यंग बैंगलोर रेडियो स्टेशन। हे भगवान, तुमने सुना था उस पागल लड़के को? बिल्कुल पागल लड़का था। क्या तुम रोज ऐसे लोगों के साथ डील करती हो? हाँ, ये सब तो होता रहता है, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं ले आया कि वो अंदर आएगा और सच में सरप्राइज देगा। हे भगवान। हे, अच्छा शो किया सारा। थैंक्स यार।
बनना चाहते हो, इसके बीच में बस एक ही कड़ी है और वो हो तुम। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं कुट्टा बाद में कॉल करता। ओहो, तो तुम मलयाली हो, बहुत दिनों से देख रही हो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ओहो, तो कैसे मेरी बस में, कैफे में, स्कूल में, सब जगह तुम ही दिख रहे हो? मैं उस लड़की का पीछा कर रहा था। हाँ, किस लिए? वो क्यूट है। वो क्यूट है? क्यूट है तो तुम उसको फॉलो करोगे? हाँ, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? हे, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हाय, मैं अर्जुन हूँ। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ओके है। अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारी दोस्त को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी कजन है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ बिना मलयालम में बात। लेकिन आज का सरप्राइज बेस्ट था। हे, लगता है मेरी चांस आ गई। मैं सैंडविच लेके आती हूँ। सारा, तुम्हें पक्का कुछ नहीं चाहिए ना? नहीं। तो अर्जुन, तुम ही हो ना जिसने मेरे शो में कॉल किया था? मैं नहीं। क्या तुम वो नहीं जिसने कहा था मैं अभी स्टूडियो पहुंच रहा हूँ? यहाँ बहुत तरह के सैंडविचेस हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाना है। ए, जाकर बैठ जाओ उधर। हे भगवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे ही बैठो। बस रिलैक्स करो। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? कुछ पियोगे? हाँ, थोड़ी सी चाय। ओके। कुट्टन, क्या तुम दरवाजा देखोगे प्लीज? हाँ। हट साले, मीनाक्षी। हे, अबे तू है कौन? कौन है कुट्टन? कुट्टन कौन है? मीनाक्षी। गॉड, करण, तुमने उसके साथ ये क्या किया? क्या तुम अंदर थी, है ना? करण, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में आ जा नहीं सकते, समझे? कौन है ये? निकलो यहाँ से, ओके? क्या कर रहा है ये बंदा यहाँ? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम निकलो यहाँ से। तुमने ही मुझे छोड़ा था ना? ऐसा मत कहो। बंद करो। हे मीनाक्षी, रहने दो। अंताक्षरी के बारे में भूल जाओ। क्या तुम शुरू से नहीं जानते थे इस तरह की कहानी के बाद ये कभी भी हैप्पीली आफ्टर नहीं होगा? तब वहाँ उसमें क्या है? Then they happily ever after. Happily ever after. बकवास। अब मैं सब जानता हूँ। सच कहूँ तो सच्चा प्यार है सेंटा क्लॉस की तरह। सब कहते हैं सेंटा क्लॉस आते हैं और सब सुनते हैं, उनकी तरह तैयार भी होते हैं।
पर किसी ने सेंटा को देखा? ए, तूने देखा? इसने कितने ड्रिंक लिए हैं? चार क्या? चार? कोला? हाँ? क्या? बस एक प्रभाव के लिए। लेकिन वो चीज नहीं है। पर मेरा दिल किसी लड़की के बारे में नहीं सोच रहा जू, लेकिन इसके ऊपर सोच रहा है, सिर्फ तुम्हारे बारे में। वो क्यों? कंजूस, तुम जानती हो, हमारा मासूम अज्जू तो बहुत पहले खो गया था, चला गया। नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है कुट्टा। कुट्टा, चुप कर। नहीं, मुझे क्या नहीं होगा। अज्जू, दुनिया को ये पता चलने दो, ये एक नुकसान है ना? देखो मीनाक्षी, देर हो रही थी तो फोन करके बता देती। तुमको ये फोन फेंकने से पहले सोचना चाहिए था। फॉलो करने के अलावा और कोई काम नहीं है? मुझे तुम्हारे साथ चलना पसंद है। क्यूट कजन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। बबल गम? चंद्रन के द्वारा इंटरटेन नहीं हुआ। पिताजी। ओके। आत्माविन संकल्प सखी
चल जाएगा, अंदर घुसे बिना पता चल जाएगा एक जैसे ही दिखते हैं, वही खिड़कियां और दरवाजे सब कुछ। शायद सही है, लेकिन अगर नजारे के हिसाब से देखा जाए तो हर घर की हर खिड़की थोड़ी अलग है। ओके अर्जुन, बाय बाय। अभी तक नहीं आई, 8 बज गए। नालायक, मुझे सिखाने की कोशिश कर रही है। क्या चिनम्मा नहीं आई? नहीं आई। क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा। वो बाहर नोटिस में था, उसके हिसाब से प्लान बनाना चाहिए था। भूल गई। नाश्ता है क्या? नाश्ता तो नहीं है, तुम मुझे खा सकते हो। किसी को तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब तुम काम पे चले जाओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, है ना? इस बहस पर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर मेरी जिंदगी का क्या जो मैं यहाँ बर्बाद कर रही हूँ? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पैदा हुई हूँ? मैंने किसी को नहीं कहा मेरे लिए ये करने को। मैं अपना काम खुद करता हूँ और मुझे यही पसंद है, नहीं चाहिए किसी की मदद। हाँ, मैं तो एकदम बेवकूफ हूँ। तुम्हारे हिसाब से तो मैं हर चीज के लिए दोषी हूँ। चिल्लाओ मत, लोग सुन लेंगे। सुनने दो, कम से कम कोई तो मेरी सुनेगा। मिले थे तब इसके बारे में बताया था। क्या? लेकिन उसने कहा था सब खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो इस इंसान ने शादी क्यों की? कहाँ है वो? ऑफिस में? क्या कहूँ अज्जू, यहाँ कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैंने कभी उसे इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। अंधेरे में क्यों बैठी हो? Thank you.
कॉल किया था क्या? हाँ। कॉल मी अगर कुछ हो तो। हाँ कुट्टन जल्दी ही पहुंच गया है ना, यहाँ कोई नहीं है, सभी लोग पुश्तैनी घर में हैं। मुझे सब कुछ बंद करके आने का निर्देश दिया है, आओ हम वहाँ जाते हैं। वो नहीं, ऐसा क्या हुआ था नारायण भाई? तो क्या तुम खबर सुनकर नहीं आए हो? एक लंबी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है, मुझे मत ढूंढना, मैं वापस आ जाऊंगा। आज सुबह कॉफी देने जा रहे थे तो शांता को ये मिला, किसी को कुछ नहीं बताया। ओ नहीं, मुझसे भी ये बात कल से एक दिन पहले की थी, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर एक हफ्ते के लिए स्वामी गोकुलनाथन जी का एक धार्मिक प्रवचन था, शांता बहन वहाँ हर रोज जाती है, कल आखिरी दिन था। शांता बहन ने उन्हें शामिल होने के लिए मजबूर किया, एटन ने पूरा प्रवचन सुना। ये अध्यात्मक है, नहीं हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति कब प्रभावित होगा। ऐसी कोई संभावना नहीं कि वो इस तरह जाए। लेकिन गांव के बाजार में उन्होंने उनको बस में जाते हुए देखा, कुछ स्वामी के शिष्यों के साथ। माँ कुट्टा, क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे? पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, और सभी लोग कहते हैं पिताजी वापस लौट के आएंगे। कुट्टन बस यहाँ आओ, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ, भाई वासु ने बहुत कर्ज बनाया है, एक के बाद एक उधार देने वाले आने लगेंगे, अब चीजें कैसी होंगी? सिर्फ यही नहीं, भाभी यहाँ कैसे रह सकती है, वो भी अकेले। पिताजी के वक्त जैसे हालात अब नहीं है, तुम्हें ये सोचना चाहिए, माँ को अपने साथ ले जाओ। यही बेस्ट ऑप्शन है, फिलहाल के लिए ये सिर्फ घर में ताला लगाने का सवाल नहीं, है। नहीं, माँ को यहीं रहने दो, खत में लिखा है कि पिताजी वापिस आएंगे, मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये है क्या बेंगलोर में तुम्हारी नौकरी छोड़कर? ऐसा अंकल, नौकरी कोई बड़ी बात तो है नहीं। कुट्टा तुम उस तरफ जाओ। क्या मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है इस गांव में खेती करने के लिए? माँ ये कहते हुए कि तुम्हारे पिता एक शहर में पैदा हुए इंजीनियर थे और मेरे परिवार ने शादी करवा दी और उसके कारण मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया इस शापित पुश्तैनी घर में। बेटा इस नर्क से बचने का एक ही मौका है, प्लीज तुम इसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे साथ बैंगलोर आ रही हूँ, उन्हें इसे ताला लगाने दो या खोलने दो, चाहे जो भी हो। माँ क्या पिताजी वापस कभी नहीं आएंगे? वो वापस आएंगे, इसके सिवा कहाँ जाएंगे? जब वो वापस आएंगे हमारे साथ बैंगलोर में शामिल हो जाएंगे। मेरा बचा हुआ जीवन क्या मेरे बच्चे के लिए जरूरी है? वो भी तो वहाँ अकेला ही है, आखिर कब तक मेरे बच्चे बाहर ही खाना खाते रहेंगे? जब मैं वहाँ रहूंगी तो उसके लिए भी सपोर्ट होगा, तो जब उसने मजबूर किया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब तुम सब लोग तय करो कि क्या होना चाहिए। कुट्टा ये फिर भी अच्छा फैसला है, अरे और बहन के लिए बेंगलोर हमेशा से ही बेहतर है। किचन के लिए पूरा नौ सीख किया, अब तुम पैनकेक्स बनाना सीख गई हो, क्रेडिट दास को जाता है ठीक है? पैनकेक तो मैं बना रही हूँ लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। तुम किचन के आसपास भी नहीं देख रही हो इसलिए ऐसा कह रही हूँ। क्या दास को तुम्हारी कुकिंग पसंद है? मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या है, जाने के लिए कोई ज्योतिष बुलाना पड़ेगा। जब से तुम यहाँ आई हो मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हारी बहस करने की आदत को, वहाँ भी यही करती हो, बुरी प्रतिष्ठा मत बनाना, वो कहेंगे तुम अच्छे से बड़ी नहीं हुई। जाहिर है यही परेशानी है, अनुशासन शांति तुम्हारी बात मानने से ही ये सब कुछ हुआ है। क्या बात है बेटा? तुम इसके बीच में मत आओ माँ। क्या बात है? माँ से कहो क्या हुआ। प्रकाशा जब तुम उन्हें कॉल करो उन्हें खोलकर सब बताना। हेलो ये मैं हूँ प्रकाशन, दिव्या का पिता। प्लीज सुनो जो मुझे कहना है, प्लीज मुझे बात करने की अनुमति दे, मुझे कहने दो प्लीज। आई क्या बेहुदा औरत है, वो मुझे बात करने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। ठीक है तो मामला कुछ ऐसा है, अब ये तुम हो जिसने हमें धोखा दिया, तुम्हारे लड़के का किसी और लड़की के साथ चक्कर है,
मुझे मजबूर मत करो, बड़े अमेरिका के लगते हो। दिव्या के द्वारा सारी बातें उन्हें बताने पर ये सारी चीजें क्या है चिनम्मा, बताया गया था ये कहो। उस समय फोन कॉल एक युद्ध की तरह था। तो प्रकाश शेटा, तलाक बेस्ट चीज है, आखिरी फैसला तुम दोनों को देना है। जैसा कि जनरली देखा जाता है, एक आसान सी परेशानी जो दो लोगों के बीच बात करने का हल बन जाए, और 20 लोग इसे एक साथ मिलकर बिगाड़ देते हैं। बेटी बेटी, तुम इन पर साइन करो। बेटी, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। बेटा, ये क्या ठंड है। ये क्या है। वो सिर्फ अज्जू का है, वो कभी कभी यहाँ रुकने आता है। वहां बाथरूम में एक हीटर भी है माँ। ये फ्रिज, गैस और वॉशिंग मशीन। क्या तुम्हारे पास कोई और फायर हिट नहीं है। सॉरी माँ, परंपरागत वाली लड़की यहाँ पर नहीं है। लड़की वाली आग नहीं बेटा, इंडक्शन। इसको ऑन कैसे करते हैं। तुम्हारे पिता ने केबल की इजाजत नहीं दी। तुम्हें यहाँ कितने चैनल मिले हैं। यहाँ कुछ 100 चैनल मिले हैं। 100 चैनल। बड़े प्याज मोटाई कम करते हुए इसे लंबाई में काटें। टमाटर 4 प्रत्येक को उसकी लंबाई के अनुसार काट लें। बाहर निकलो तुम यार। ए लेडी। जैसे आप होता है। एसएमएस भेजने का प्रारूप यहाँ बताया गया है। हे अर्जुन, हे कोच, तो कहा कि तुम क्लब और सब कुछ बंद करने जा रहे हो, मेरे केस के बारे में भूल जाओ। जब मैंने वहाँ पूछताछ की तो तुम्हारा बैन हटाने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त है। कोच, क्या ये लोग काफी नहीं है तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए। बस मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुन, तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है रेसर बनने का। एक सिंगल रेस ही काफी है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद बड़ी कंपनी तुम्हें ले लेगी, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रतिष्ठा, एक स्ट्रोक में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अर्जुन, क्या ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। कोच, वो थी, लेकिन मुझे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। जो भी मैंने हासिल किया था उसे मैंने एक ही बार में खो दिया। अर्जुन, समय सब कुछ है। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है अभी, वही तुम्हारा बिग प्लस है। समय बर्बाद मत करो अर्जुन, तुम पछताओगे। तुम्हारे लिए है बेबी। हैप्पी बर्थडे। आओ मैं तुम्हें मेरी माँ से मिलाती हूँ। मम्मा, ये अर्जुन है, मेरी मम्मा। हेलो। हेलो। आओ पापा के दोस्तों से मिलते हैं। हेलो, मिलकर अच्छा लगा। माफ कीजिए, तुम्हारा नाम क्या है। अर्जुन। क्या तुम पढ़ते हो। नहीं, मैंने स्कूल में ही बंद कर दी थी। तो जॉब में बिजी रहते हो। जॉब, बाइक्स फिक्स करता हूँ और सब मरम्मत का काम। ओ, माता पिता के बारे में क्या, तुम कहाँ से हो। यहीं आसपास। कुछ खाया तुमने। हाँ। तुमने इसे बताया क्या। लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे नहीं बताया। वहाँ अंडरग्राजुएट लेवल के बाद। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ जरूर। अच्छा होना प्लीज। कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ की तरह नहीं जो कोई भी फॉलो किया जाए।
हाँ ये अर्जुन है। मम्मा पापा का एल्बम कहाँ रखा है? वो तुम हो जिसने खुद तुम्हारी कबर्ड में रखा था। अंदर? चलो मैं अंदर जाके चेक करती हूँ। क्या मैंने इसे वहीं रख दिया? आमतौर पर हम काफी अनुशासित जीवन जीते हैं। सारा वो भी वैसी ही है। हाल ही में किसी तरह का बदलाव आया है। अर्जुन मुझे नहीं पता कि तुम क्या समझ रहे हो। तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग सा है। सारा एक एम्बिशियस लड़की है। उसे ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है, तो हम वहां जाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे माता पिता सारा जैसे बच्चे को एक बोझ समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं मेरी सारा के लिए बेस्ट चुनूंगी प्रतीक, और हर मामले में। इससे कम कुछ भी मेरी बेटी को सूट नहीं करेगा। मिल गया? हाँ, लेकिन इसे मैंने कहीं और रख दिया था। ये देखो, ये पापा की आर्मी ट्रेनिंग की पिक्चर्स है। तुमने देखा इसे? देखो पापा आर्मी की यूनिफॉर्म में कितने हैंडसम दिखते थे ना। मम्मा ने क्या कहा? उन्हें तुम पर बहुत गर्व है। क्या सभी माँ ऐसा नहीं कहती? किसी तरह पता नहीं, उन्होंने कहा कि तुम ऑस्ट्रेलिया के ले जा रही हो। ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं किया है। सब कह रहे हैं कि मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी, और वहां की सुविधाओं के साथ पता नहीं, बहुत सी चीजें हैं पीछे, लेकिन उन सबको छोड़ के मुझे चले जाना चाहिए, है ना? ठीक है फिर। हैप्पी बर्थडे। तुम समय बर्बाद मत करो, तुम पछताओगे। इससे कम कुछ भी मेरी बेटी को सूट नहीं करेगा। हाय। हाय, कैसे हो तुम? बढ़िया। मैंने सिंपली कॉल किया, कहीं ज्यादा बिजी तो नहीं तुम? मैं यहाँ किसी काम के साथ व्यस्त हूँ। क्या मैं तुम्हें ये सब खत्म होने के बाद कॉल करूं? ओ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके, बाय। बाय। नहीं दिखना चाहिए, रोड पर या कहीं और, सिर्फ ट्रैक पर, ये याद रखना। जाओ अब। गुड्डा।
कुछ भी बताने की मानसिक स्थिति में नहीं था। इन सभी दिनों में मैं जहां भी था घुटन में था, अब ताजी हवा में सांस ले रहा हूं। सपने और यादों के बीच मैं अक्सर ऐसा करता था कि दूसरों के जीवन के बारे में भूल जाऊं। सच बताऊं तो देखो, जो पल हमारे हाथों में है उन्हें पहचानने के लिए ये यात्रा जरूरी थी। अगर मेरे फैसले से मेरे बेटे को परेशानी हुई हो तो अपने पिता को माफ कर देना। तुम्हारे जन्मदिन और तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। तुम्हारा प्यारा पिता। ये स्मेल कैसी आ रही है? ये कहां से आ रही है? ये आया है, ऐसा दिखता है गया से है। गुटन, ये गया नहीं है, गोवा है। ये एक स्पेशल तरह की स्मेल है जो सिर्फ गोवा में मिलती है। क्या यार? चिल गुटन, अंकल खुश हैं। दो कॉफी प्लीज। गुट्टा, मैं कुछ कहने की मानसिक स्थिति में नहीं था, लेकिन इतने सालों में जहां मैं दम घोट कर जी रहा था, सिर्फ अब मैं ताजी हवा में सांस ले रहा हूं। जैसे कि हम निराश हो जाते हैं यादों और सपनों के बीच, अक्सर हम आज को भूल जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, इस पल को देखो जो सिर्फ यहाँ है हमारे अपने रूप में। ये पहचानने के लिए ये यात्रा जरूरी थी। अगर मेरे इस फैसले से मेरे बेटे को परेशानी हुई है तो अपने इस पिता को माफ कर देना। मैंने नहीं कहा था तुम्हारे पिता के साथ कोई परेशानी नहीं है। क्या ये सोया है? मैंने ये केले का तना खरीदा था। क्या तुम ये खाकर बोर नहीं होते? रोम में रहते हुए रोमन की तरह रहते हो। मल्लू का घर शुरू होने वाला है, मुझे आश्चर्य है मैं इसके बारे में भूल कैसे गई। ये क्या? पानी पियो। मुझे नहीं पता, पिछले कुछ दिनों से ये अनुवंशिक सांस फूलना है। तुम्हारे पिता ने मुझे इन सब से बहुत परेशान किया था। हमारी शादी के तीसरे दिन से ही शुरू हो गया था। ये मेरी किस्मत थी, अब मेरे बेटे को भी मिल गई। टीवी पर बाबा जी ने कहा था कि प्रणाम करना ही काफी है, अनुलोम विलोम। खाना बंद करो, मैं बताती हूँ। देखो, इन सभी सालों में मैं घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, अभी तो मैंने ताजी हवा में सांस लेना शुरू किया है। कार्तिक, ये सब हटाओ। ठीक है, सब कुछ डिसमेंटल क्यों लग रहे हो? स्टॉर्म राइडर्स, क्या तुम रिवैम्प्ड करने जा रहे हो? नए राइडर्स, क्या नया सेटअप? अरे वाह, अच्छी फोटो है। अच्छे पुराने दिन। सैम, तुम इसे कैसे जानते हो? ये मेरी क्लासमेट थी नताशा। हर कोई उसके लिए पागल था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ शिवा था। वहां वो शिवा था, वो थी सच्ची प्रेम कहानी। Sky.
जैसे मैं बच्ची हूँ, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम नहीं जानती नताशा, मैं खुद के फैसले ले सकती हूँ। जा जा, निकल जा यहाँ से। वो उसके माता पिता से लड़ रही शिवा के मामले पर, इसके साथ ही वो शिवा के साथ चली गई। देखो देखो उनकी तरफ। रुको, उन्हें वापस लाओ उसे। निकल जा एक थैला देना। वहाँ से उनके दिन शुरू हुए। चलो आओ। नताशा और शिवा के बीच किसी तरह का जादू था। Don't stop, let's go. एक्सीडेंट हो गया। हटो, ध्यान से, आराम से। हो, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, तुम ठीक हो जाओगी बेबी। नताशा, ढूंढने में मदद करोगी नेटी? मेरा मतलब नताशा फ्रांसिस। माफ करना डॉक्टर, नताशा फ्रांसिस। Sorry. Hey, भगवान। तुमने उसे मार डाला। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। प्लीज, तुमने उसे मार डाला। फ्रांसिस। अंकल, तुमने मेरी बेटी को मारा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सर प्लीज, तुमने उसे मार दिया। नताशा की मौत के बाद किसी ने भी शिवा को नहीं देखा था। मैं देखती हूँ। दास बाबा, नाश्ता अंदर रखा है, खा लो। इस तरह सच हुई आंटी और जोशी की भविष्यवाणी। माता पिता की मर्जी के खिलाफ उसने माता पिता का घर छोड़ दिया। आती है? तुम क्यों वापस आई हो? बेचारे दास बाबा, इस तरह की लड़की से शादी कर ली। अब मैं खुद अमेरिका फोन करूंगी। हम कुछ और समय लेते हैं और अचानक कोई फैसला लेने की वजह। दिव्या, अच्छा है ये छोड़ रही है, भाड़ में जाए। ये क्या कर रही है? सब कुछ पैक करके जाने के कहने पर भी तुम अब तक क्यों नहीं गई? मैं दूसरा रूम लेकर शिफ्ट हो रही हूँ। यहाँ भी तो हम रूममेट्स की तरह ही रहते हैं। बस बहुत हुआ, अब ना तुम मेरे रास्ते आओगे ना मैं तुम्हारे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम इस घर के अंदर क्यों आई हो? एक और चीज, इस माँ को आज ही बाहर निकालो। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? नीच। चिनम्मा, क्या तुम्हें आराम नहीं चाहिए?
ठीक हो? जाओ। मिसेस फ्रांसिस। हाँ, मैं नताशा की दोस्त हूँ। आओ। कुछ दूसरा काम है, तुम जाओ। लेकिन तुम मुझे ड्रॉप करने वाले थे ना? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं दिव्या ने बताया है या नहीं, अब मैं मोटर क्रॉस ट्रेनिंग में हूं, कोच जचारिया की ट्रेनिंग में। स्ट्रॉम राइडर्स सेमी स्पॉन्सर है, अभी भी उनके पास पुरानी बातें कहने के लिए समय है। रेसेस, ट्रॉफीज, शिवा शिवा नताशा, क्या दिव्या को पता है? जानकर वो वापस आएगी। क्या मैं जाऊं? अर्जुन शुक्रिया। रेस 25 को है, अगर पॉसिबल हो तो आना, सभी लोग वहीं होंगे। बेटा। हाय आंटी, मेरी क्रिसमस। तुम्हें भी मेरी क्रिसमस। आओ बेटा। हाय अंकल, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस डियर। कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ। Thank you.
गीता बेटी कह रही थी अमेरिका में टमाटर कद्दू जितने बड़े होते हैं। खुट्टन भाई तुमने ये सुना? इसमें हर तरह के जहर होंगे, हर चीज आर्टिफिशियल है। क्या करें, वो वहाँ बाहर तड़प रही है, वहाँ उसका कोई नौकर नहीं है, ऐसा लगता है वो अलग हो गए। ओहो, वो दोनों बारी बारी छुट्टी ले रहे हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए, बेचारे। अमेरिका जाने पर भी कुछ भी बदलाव नहीं आया। वो कह रही थी कि उसे मेरी टमाटर करी बहुत याद आ रही है। अगर बड़े टमाटरों से बना हो तो उतना स्वादिष्ट नहीं होगा क्या आंटी? उसने भी यही कहा था। बेचारी आंटी, क्या तुम इन्हें अमेरिका नहीं भेज सकते हो? हाँ, वहाँ जाने पर वो दूसरों को भी बेदम कर देगी। अरे अच्छा था या नहीं, मेरा बेटा, मेरी बारी। अब मेरी बारी। यहाँ कुछ नहीं है, ये सारी चीजें छुपाने की जरूरत क्या है? माँ, क्या खाने को कुछ है क्या? रुको, मैं पास करती हूँ। बेटा आज मैं यहाँ से उठ नहीं सकती हूँ, तुम एक पिज्जा ऑर्डर कर लो, वो जल्दी डिलीवर करते हैं। कोई पिज्जा खाएगा? हाँ हाँ ठीक है, अब तो ऑर्डर ही कर दीजिए। बेटा सबके लिए ऑर्डर करो। मेरी पारी। पिताजी ने इतने सालों के लिए घर छोड़ दिया, वो भी किसी ऐसे चरित्र के लिए। ये लो, उस ढेर को सिर्फ अगले हफ्ते ही काट देना चाहिए। मैं कहता हूँ उस ढेर को अगले हफ्ते ही काट दो। ये क्या चल रहा है? इस अब शोभा की बेटी का हिस्सा है कि नहीं? तो भाई प्रकाश ने सब कुछ बेच दिया अपने मनन दियार को। बहुत से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं पुरखों का घर और जा रहे हैं। ऐसा सुना है कि वो भी जल्दी बिकने वाला है। डियर पिताजी, क्या सोचा है आपने खुद का? ऐसा कुछ भी नहीं पहचान सकते, ऐसे बदलाव क्यों जरूरी हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, यहाँ एक अच्छी खबर है, पुश्तैनी घर खरीदने के लिए खरीदार मिल गया। उसे बेचने पर बैंगलोर पे अच्छा घर खरीद सकते हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने ढूंढा, तो उसकी वजह से मैं बहुत अच्छे हिस्से की मांग करूंगी। तो क्या हम बस ऐसे ही छोड़ देंगे? बस इतना ही? तब ठीक है बेटा। बेटा गीता क्या कह रही है, सब कुछ मांगना चाहिए? हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, नष्ट हो जाता है और फिर हम जन्म लेता है। तो उस परिवर्तन की लहर का बदलाव ये होगा कि वो हम में भी बदलाव ना करे। शुक्रिया अंकल। अरे नहीं, नहीं, रुको 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 प्लीज, माफ करना। शुक्रिया। लिफ्ट में मिला था। यही है ये शहर, एक तरफ फॉरेनर लड़की सभ्यता की तलाश कर रही है, उसने लिफ्ट रोकी और ये दिया मुझे। दूसरी तरफ मेरी माँ मॉडर्निज्म की तलाश कर रही है। ये सब आंटी आपने बनाया है? सिर्फ बेटी के लिए। अंकल आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ अपनी सभी चीजों के लिए। सभी के लिए अच्छाई प्राप्त होनी चाहिए और हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। दिव्या का सिर्फ भला ही होना चाहिए। अगर बिना जाने मुझसे कोई गलती हो जाए, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? अगर गलती करने वाले के लिए अपराध बोध है तो हाँ, क्यों नहीं।
की तरह अगर नताशा का एक और दोस्त होता। कौन? शिवा। क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो कमीना, वो वही है जिसने मेरी बेटी को मारा है। उसने उसे मार दिया। मुझे माफ कर देना आंटी, मैं जानती हूं नताशा आपके लिए सब कुछ थी, लेकिन शिवा के लिए भी ऐसा ही था। वो भी क्या उसने तुम्हें ये सब कहानियां कही हैं? वो एक नंबर का झूठा है। उस कमीने पर विश्वास मत करना। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया। धोखा उसे, और पक्का सब कुछ भूलने के बाद शायद वो शादी के बाद खुशी से रह रहा होगा। मैं उसकी पत्नी हूं। हमें जाकर नताशा के माता पिता से मिलना चाहिए। नो, दिव्या मैं नहीं कर सकता। नताशा के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? नताशा वापस आने का प्लान कर रही थी। तुम्हारे बारे में लोग हमेशा बात करते थे। मेरे बिना पापा और मम्मी का कुछ नहीं कर सकते कहने की आदत थी। Thank you.
अर्जुन। हे हे, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है। हाँ, मैं रेस और बाकी सभी अभ्यास में बिजी था। चीजें कैसी जा रही हैं? ग्रेट। मैंने रेस के बारे में कहने के लिए कॉल किया। मेरा मुख्य इवेंट 25 को है। अगर सारा आती है तो मैं टिकट्स अरेंज करता हूँ। 25 को है? 25 को मैं सिडनी जा रही हूँ। ओह वाओ, मेरा ऑन एयर जाने का समय हो गया है। बिल्कुल, बाय। बाय। वापस स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ सेरा ऑन रिस्की बिजनेस। और जैसा मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर ये मेरा आखिरी हफ्ता है, तो मैं बजाऊंगी अपने फेवरेट गाने आपके लिए। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें अकेले छोड़ना, लेकिन जब गीता की बेटी मजबूर कर रही है तो क्या करें? उसकी चीजों को देखभाल करने के लिए मैं ही हूँ ना। अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। अब हम लोग सभी अमेरिका में, मैं और माँ की फ्लाइट आज रात की है या नहीं? मुझे नहीं लगता मैं उससे पहले शादी कर पाऊंगा। बस कुछ फैंसी ड्रेसेस, वहां पहुंचकर भी ये सब पहना जा सकता है। खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रही है। हो गया चेक इन। दरवाजे के पास की सीट मिली है। माँ दरवाजा नहीं, विंडो सीट। वो क्या ये लोग अंदर चावल सब्जी देंगे? ये सब वो फ्लाइट में देंगे। और साइड करी? ये सब अपने हाथ में ही रखना जब तक तुम बहन के पास ना पहुंच जाओ। आओ। ठीक है आशा, तुम चलो, मैं आती हूँ। यह है बोर्डिंग पास। हाय। हाय। क्या आज तुम ये वाली फ्लाइट ले रहे हो? नहीं, मैं नहीं, माँ जा रही है। ओह माँ, नमस्कार। तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे कजिन्स? मीनाक्षी? एक मिनट कुट्टन, मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा नंबर नहीं बदला है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बाय। नमस्ते। नमस्ते। मीनाक्षी, सुंदर है। तुम दोनों के बीच क्या बात चल रही थी? कुछ अच्छी मलयालम कहो। ये क्या है? चलो चले। कॉल करूंगी। ठीक है ठीक है। अर्जुन। हे। हाय। क्या सब कुछ तैयार है जाने के लिए? पैकिंग चल रही है, फ्लाइट कल की है। बहुत सारी किताबें हैं। हाँ, अब सब कुछ लेना होगा ना। एक मिनट। हाय। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिर्फ आज शाम के लिए ड्राइव पर? हाँ। एक मिनट सरा। हाँ। सारा। मम्मा, मैं थोड़ी देर में बाहर से आ रही हूँ। हाँ, तुम क्या कर रही हो? जब वो लड़का कॉल करेगा तुम कहीं भी चली जाओगी। तुम्हें नहीं पता कि हम कल जा रहे हैं? हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ माँ। तुम इतनी लापरवाह बन रही हो। लेकिन मम्मा, मेरी जिंदगी में वही सब कुछ होता है जो आप कहती हैं। देखो इसे, ऑस्ट्रेलिया जाना ही होगा, इंडिया छोड़ना ही होगा। बेहतर जिंदगी, बेहतर डिग्री, ये फेयर नहीं है। एक शाम में ऐसा कुछ नहीं बदल जाएगा माँ। प्लीज माँ, मुझे जाने दो।
आए। हे, तैयार? हाँ। अच्छू, हाय। हाय, मैं कुटन। जल्दी आ गया। ये मेरी कुंजू। हाय, दिव्या। ये मेरा कुटन है। मेरा कुंजू। अज्जू की दुनिया में मैं और दिव्या कहाँ हैं? वो वहाँ सेरा को लाया। ऐसा क्या? उस दिन वहाँ हमने जो देखा वो है अज्जू के सवालों के जवाब। ओ अज्जू, उसके बदलाव के बहुत सारे कारण हैं। वो याद है सेरा। मैंने बनाया है। ये बहुत सुंदर है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बस वहाँ इतना ही, एक छोटा सा सरप्राइज। अगर तुम नहीं आते, नहीं देखा होता तो तब ये सब करने पर वहां अर्जुन के दिमाग में कुछ नहीं था। ये बेहतर है, नहीं? मुझे पैकिंग करनी है, मुझे जाना होगा। अर्जुन, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता है। मैंने नहीं कहा था मुझे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे ब्लेम मत करो। हर चीज के लिए वो थोड़ी अलग थी। इससे कम मेरी बेटी को कुछ शोभा नहीं देगा। This video is downloaded from HD Hub for you. सेट है, मैंने देखा था कि फरहान भाई वहां पर, वहीं उसके गड्ढे पर। हे हे, स्वागत है। वेलकम ब्रो, वेलकम। कैसे हो? हाय हाय। किसी ने रेस देखा? हाय दास। शिवा। शिवा यार, अपना शिवा। हे, तुम कहां थे यार? शिवा भाई, स्टॉर्म राइडर्स। हाँ, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन वो वहां पर है। आओ आओ।
अज्जू चलो स्टैंड पर चलते हैं, उसे रिलैक्स करने दो। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आज क्या फरहान रेस के लिए होगा? कम से कम वो बेईमानी तो नहीं करेगा। Thank you.